बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की छवि इंडस्ट्री में खिलाड़ी और देशभक्त की बनी हुई है और सभी उन्हें इस रूप में पसंद भी करते हैं। लेकिन शायद पहली बार हुआ था जब अक्षय कुमार शंकर की फिल्म 2.0 में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी सामने आई थी। इस फिल्म में वो रजनीकांत के अपोजिट दिखाई दिए, लेकिन अब खबर आ रही है कि अक्षय विलन बनने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और इस बार वो सुपर विलन नहीं, इस बार वो एक खतरनाक विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, अब एक बार फिर ऐसे ही रोल में दिखाई देने वाले हैं अक्षय कुमार। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय इस बार नेगेटिव कैरेक्टर शंकर की ही फिल्म इंडियन 2 में कमल हसन के अपोजिट करने वाले हैं, यानी कि ये भी शंकर की फिल्म है और अक्षय साउथ की ये दूसरी फिल्म करने वाले हैं। साउथ का डेब्यू बेहद शानदार रहा, शायद इसी को देखते हुए शंकर उन्हें अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। ये एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है जो कि साल 1994 में आई इंडियन का ही जो है सीक्वल होगा। इसके अंदर कमल हसन लीड रोल के अंदर है। वहीं पिछले मंगलवार को फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया था। खबर के अनुसार पहले शंकर ने इस रोल के लिए अजय देवगन से संपर्क किया, लेकिन फिर फिल्म के अंदर पुलिस ऑफिसर का एक किरदार है जो कि कुछ कारणों से अजय नहीं कर सके। सूत्रों के मुताबिक फिल्म 2.0 के खत्म होते ही अक्षय और शंकर की अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब जैसे ही जिस मूवी की शूटिंग वो अभी कर रहे हैं उसकी शूटिंग खत्म होती है, अक्षय कुमार इंडियन 2 की शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं। दोस्तों, इस साल उनकी बेहद बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, तो आप कौन सी फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े ना हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।